हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सफी हैदर। मैं हूँ करेंटली एक टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर। ये वीडियो दोस्तों आपका एंड तक देखने के लिए जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके लिए एक क्लियरिटी आ जाएगी, आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है। क्योंकि बहुत सी बार बहुत से स्टूडेंट्स, खास तौर से जो बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम रहती है कि वो कुछ भी याद करते हैं तो उसमें वो एवरेज परसेंटेज ही हासिल कर पाते हैं। तो आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का आपका लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। उस लर्निंग प्रोसेस को अगर आप आदत बना लें और उस तरीके से अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो डेफिनेटली ये मेरा दावा है कि आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, भले ही बोर्ड एग्जाम हो, भले ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो इसलिए देखिए, आइए देखो दोस्तों। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है, तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होता है, तो इसमें आपको चार वर्ड जो है वो याद रखने की जरूरत है। वो चार वर्ड अगर आपने याद कर लिए और उस चार वर्डों के अकॉर्डिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आपने अपनी आदत में डाल लिया तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा लर्नर कहलाएंगे और बहुत ही अच्छे लर्नर बन जाएंगे। तो वो चार वर्ड कौन से है, तो उसमें जो पहला वर्ड आता है वो आता है आर। क्या आता है? आर। आर स्टैंड फॉर रीडिंग, यानी जो भी आपको स्टडी करनी है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक की सबसे पहले आप रीडिंग कीजिए, प्रॉपरली एंड थ्योरेटिकली आप उसको रीड कीजिए। आप उसको अच्छे से रीड करेंगे तो आप आगे के प्रोसेस पे पहुंच पाएंगे। तो पहली जो आपकी प्रोसेस होती है लर्निंग की, वो होती है आर स्टैंड फॉर रीडिंग, और प्रॉपरली आप उसको पढ़िए। सेकंड जो चीज आती है आर के बाद, वो आती है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग से पहले भी एक चीज आपको थोड़ी सी करनी होती है, वो चीज मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। नोट मेकिंग से पहले आपको एनालाइज करना होता है कि आपने जो रीडिंग किया है उसको एनालाइज कीजिए, उसका आप विश्लेषण कीजिए कि उसको आपने कैसा पढ़ा है और उससे आपको क्या समझ में आया है। वो चीज हो जाए उसके बाद, जो आर के बाद जो सेकंड आता है आपका एन, वो एन स्टैंड करता है फॉर नोट मेकिंग। नोट मेकिंग, या आपको पता है, ये नोट मेकिंग जो आप करेंगे वो आप करेंगे अपनी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? अपनी लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आए और आप उसको अच्छे से लर्न कर सके। तो अपनी लैंग्वेज में आप उसको छांटिए और उसका एक नोट बना लीजिए, एक नोटबुक में उसको उतार लीजिए, ठीक है। एन के बाद जो आता है वो आता है आपका वर्ड सी। सी का मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिनिंग। अब ये क्रिटिकली एग्जामिनिंग होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आपको जब कोई भी एग्जाम आप दे रहे होते हैं, कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे होते हैं या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए एग्जामिनर की तरह। आपका एग्जामिनर की तरह अगर आपका पर्सपेक्टिव होगा तो आप ये देख सकेंगे कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो क्वेश्चन बनाने की कला आप में आ गई एग्जामिनर के हिसाब से, कि एग्जामिनर इस तरीके का पर्सपेक्टिव रख सकता है, वो अगर आपने समझ लिया तो फिर आप उसके आसानी से क्वेश्चन बना के आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो और आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से कंप्लीट हो सकते हैं। तो फर्स्ट आर स्टैंड फॉर रीडिंग, सेकंड एन स्टैंड फॉर नोट मेकिंग, थर्ड सी स्टैंड फॉर क्रिटिकली एग्जामिनिंग। लास्ट जो वर्ड आता है, फोर्थ नंबर का वर्ड आपका, वो आता है एच। एच फॉर एच स्टैंड फॉर हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है दोस्तों, जब भी आप जो कुछ भी पढ़ते हो, अगर आप उसको या तो दूसरे को टीच कराए यानी दूसरे को पढ़ाए या फिर दूसरे को समझाए, तो उससे होता क्या है, आपने अगर दूसरे को समझाया या भले ही दो दिन बाद या तीन दिन बाद या चार दिन बाद उस चीज को भूल जाएगा, लेकिन आप उस चीज को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं अगर किसी को पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने पढ़ाया है, अगर मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, अगर मैं ये आपको बता रहा हूं, तो इस चीज को मैं नहीं भूल पाऊंगा, ये आर एन सी एच ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो लास्ट चीज आती है वो हेल्पिंग अदर्स, यानी आप दूसरों को पढ़ाए, दूसरों को समझाए, उससे क्या होगा, आप उस चीज पर अच्छे से कमांड बना पाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की सहायता आप उसमें करते रहिए पढ़ाने में। तो ये जो चार प्रोसेस होते हैं, ये चार प्रोसेस अगर आपने अच्छे से समझ लिए और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में 50% या 60%, बल्कि अगर ये आपकी आदत बन गई
तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे और आप बहुत ही अच्छे लर्नर भी कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप किसी नॉर्मल एग्जाम में ही, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी बड़े एग्जाम में, सीजीएल, एसएससी, जेईई, है ना, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये चार लर्निंग टिप्स आपके बहुत ही काम आएंगे, जो कि लर्निंग प्रोसेस के टिप्स कहलाते हैं। तो इसको याद रखिए, और आपने इतना प्यार दिया है इकोनॉमिक्स स्कूल को, तो इस इकोनॉमिक्स स्कूल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो अगर वीडियो, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कभी कभी लेट हो भी जाऊं तो भी आपको पता पड़ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका वीडियो जो है वो आ चुका है। ओके, तो ओके, थैंक यू।